नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल के पानी का विवाद बहुत पुराना है। कई बार ऐसे मौके भी आए जब केंद्र के साथ साथ हरियाणा और पंजाब में एक ही पार्टी सत्तासीन रही, लेकिन किसी ने इसका हल दिया जाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि पानी पर सियासत की गई और हर दल ने वोट बटोरने की कमोबेश कोशिशें पूरी की। अब ऐसे में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने सतलुज, रावी और साथ ही ब्यास नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोककर उसे हरियाणा और राजस्थान में लाए जाने की बात कही। गडकरी के इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। साथ ही बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या अब की बार बीजेपी पानी की राजनीति कर सत्ता में वापसी करने की कोशिशें करेगी? तो इससे पहले देश के पीएम भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं, हालांकि इतना फर्क जरूर रहा कि वो पंजाब में बोले थे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो है वो हरियाणा में बोले हैं। इनके इस बयान के बाद बीजेपी के नेता और मंत्री क्या कहते हैं वो सुने। गडकरी जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष रहे, महाराष्ट्र के अंदर मंत्री रहे, वहाँ पर उनका बहुत प्रभावशाली काम था। उनका प्रभाव उस समय का अनुभव आज हरियाणा में भी नजर आता है, पूरे देश में नजर आता है। जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कोई योजना बना के किसी इंजीनियर से किसी प्लानिंग बोर्ड से सारी बैठ के ही बात कही होगी, और यदि कोई इतना बड़ा नेता कोई बात करता है और पाकिस्तान से पानी रोकने की बात करता है तो वो जरूर फ्रूटफुल योजना होगी, और हरियाणा की जनता को, राजस्थान की जनता को, यानी पूरे देश की जनता को इससे खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी व्यर्थ जा रहा था वो हरियाणा ही नहीं पूरे देश के लोगों के लिए एक जीवनदायिनी काम करेगा। ये कटाक्ष की बात नहीं है तो बल्कि गौरव की बात है, बड़ा जो है ना आनंद की बात है कि हम हरियाणा के अंदर जहाँ जो पानी हमारा वेस्ट जा रहा था वो हम हरियाणा के अंदर लेकर कह रहे हैं। और एसवाईएल की भी जहाँ तक बात है, एसवाईएल को लेकर की भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है, और एसवाईएल का पानी भी निश्चित तौर पर हमारी सरकार के दौरान ही जो है ना हरियाणा की प्यासी धरती को मिलेगा, इसको लेकर के सरकार जो है ना पूरी कार्रवाई कर रही है। तो बीजेपी कितनी गंभीर है और केंद्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का वो कितना गंभीर है? और केंद्र सरकार को जब निर्माण करवाना था, जब देश की सबसे बड़ी अदालत कह चुकी है कि नहर का निर्माण करवाया जाए, उसमें इतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई? पाकिस्तान की बातें क्यों होने लग जाती है जब हरियाणा के हक की बातें होनी चाहिए, एसवाईएल की बातें की जानी चाहिए? एक खास पैनल मेरे साथ है, संजय शर्मा है हमारे साथ, हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता आप हैं, साथ ही नेलो प्रवक्ता हमारे साथ रविंद्र ढुल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता दयाल सिंह पिंजोरी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कोटला साहब हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून हमारे साथ इस चर्चा में हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। शर्मा जी, आपका पहला कमेंट इस बात पर जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, हरियाणा में पानी की किल्लत नहीं रहेगी, हरियाणा को पानी दिया जाएगा। देखिए, उनके बयान का स्वागत है और आदरणीय गडकरी जी को जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि जिस जिस मंत्रालय में वो रहे हैं उस मंत्रालय की कायाकल्प करना और उसके अंदर अभूतपूर्व काम करना, ये गडकरी जी की पहचान है। आज पूरे देश के अंदर अगर सड़कों का जाल बिछ रहा है तो उनके मंत्री रहने के कारण से दिख रहा है। एक बार पीएम भी बोले थे, पंजाब में बोले थे जनवरी में, पंजाब चुनाव से पहले, क्या पीएम बोलते हैं वो पीएम नहीं करते फिर ये मानकर चला जाए? नहीं, पीएम अगर गडकरी साहब जो बोलते हैं वो करते हैं, हम इस बात पर यकीन भी कर ले, बताइए गडकरी जी के बयान का रिएक्शन, मैंने उसके बारे में कहा। ठीक है, प्रधानमंत्री तो अपनी बात के धनी है, प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो कर रहे हैं और आगे करेंगे। देश आज दुनिया के अंदर अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका कारण यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्वगुरु के स्थान पर लेकर के जाना है। उनके लिए राष्ट्र पहले, बाकी चीजें बाद में है, इसलिए वो पाकिस्तान जाने वाले पानी को लेकर पंजाब चुनाव से पहले पंजाब में बोले थे। ये बात पंजाब के लिए कही गई थी, ये बात पूरे देश के लिए कही गई थी कि पाकिस्तान जो पानी जा रहा है उसको बीजेपी सरकार रोकेगी। उस दिशा में कितना काम किया गया, फिर हरियाणा में एक बार फिर से यही बयान दे दिया गया? ये बयान नहीं है, वो काम कर रहे हैं, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि उन्होंने घोषणा की और हो गया। देखिए, हर योजना को धरातल पे आने में थोड़ा समय लगता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में सरकार लगी हुई है, जो भी उसके लिए समय कंज्यूम होगा वो हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उन्होंने वो चीजें शुरू कर दी थी, तभी तो उन्होंने घोषणा की थी, वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। क्या शुरू किया गया? आपने योजना शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या वाकई कोई योजना तैयार की जा रही है इसके लिए? किस तरह की योजना, कौन सी योजना? अभी जैसे अभी गडकरी जी ने कहा कि 3 बांध बन रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर 3 बांध बन रहे हैं, जिसके कारण से कि सारा पानी उधर का यमुना नदी में डाला जाएगा, जिससे हरियाणा को भी पानी मिलेगा और राजस्थान तक पानी जाएगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की दिशा में ये काम किया जा रहा है कि पाकिस्तान पानी नहीं जाएगा, आप उत्तराखंड में बांध का निर्माण करवा दीजिए, 3 बांध वहां पर बनवा दीजिए। नहीं नहीं, उत्तराखंड से तो ज्यादा पानी पाकिस्तान में नहीं जाता, लेकिन सिंधु नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान में जाता है। उस सिंधु नदी के ऊपर भी बांध बनाने की योजना, वहां से पानी
किस तरह से रुक सकता है उसकी योजना, वो सारा काम हो रहा है और कुछ ही समय में वो आपको धरती पे भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जो योजना बनाई है वो फुल प्रूफ योजना है, उसके कारण से जो हम भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं। संजय शर्मा जी, ये चुनावी बातें हैं सर। नहीं, चुनावी बातें करके तो हम राजनीति करते ही नहीं है। अगर चुनावी बातें सोचकर करते तो जिस तरह के सुधार के कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी लेकर के आ रहे हैं उसके कारण से लोगों को दिक्कत भी हो रही है, लेकिन उनका एक लक्ष्य है कि भारत को हमने विश्व के अग्रणी देशों में लेके जाना, उसके लिए बहुत से कड़े कदम भी लेने पड़ेंगे। हम कोई भी चुनावी गणित को जनवरी 2018 में, एक साल से ज्यादा का अंतर है। किसमें? जनवरी 2017 में पीएम बोले थे, पंजाब में बोले थे, पाकिस्तान जाने वाले पानी को लेकर बोले थे। मार्च 2018 में गडकरी साहब बोलते हैं उसी पानी को लेकर, वो हरियाणा में बोलते हैं। क्या बड़ा अंतर नहीं? आप लोगों ने अगर काम किया, किसी तरह का रोड मैप तैयार किया, क्या वो नजर नहीं आना चाहिए था? या फिर मंच से बोलने के लिए बातें हैं? बन जाएगा तभी दिखेगा ना जी। उसके ऊपर काम चल रहा है, जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर काम चल रहा है, योजना चल रही है, उसके लिए बजट का प्रावधान हो रहा है, बजट का प्रावधान किया जा रहा है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा मोदी सरकार की ओर से। देखिए ज्योति, ये मानना बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहिए कि जो SYL के ऊपर जो कंसंट्रेशन है इस समय पर, उससे ध्यान हटाने के लिए के एक प्रयास मात्र है। मैं इनके शुभकामनाएं देता हूं, मैं इनको यदि ऐसा कर पाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये कानूनी रूप से हो सकता है या नहीं हो सकता है ये हमारे कानूनी मित्र आपको बता देंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि SYL को जो है कि पानी को कंपनसेट करके ये पाकिस्तान का नाम लेना या शारदा यमुना लिंक का नाम लेना, ये कहीं ना कहीं बरगलाने का एक तरीका मात्र है। इसको मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों को के ऊपर कार्य करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये इनको ये कहिए कि नितिन गडकरी जी SYL के मामले में अपना स्टैंड तो स्पष्ट करें। क्या नितिन गडकरी जी ये कहेंगे या प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे जब चुनाव से पहले आते हुए जो है 6-7 महीने पहले इनके इस प्रकार के बयान आने शुरू हो जाते हैं कि कथित कहीं ना कहीं इनको यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से करनी चाहिए, बतानी पड़ेगी कि ये सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय किस प्रकार के इनके द्वारा प्रयास किए गए हैं और क्या इनके पास में ऐसा कोई अधिकार है या नहीं है, ये भी स्पष्ट रूप से बताएं। इनको बहुत कुछ बताना पड़ेगा, इनको ये भी बताना पड़ेगा कि जो आपकी सतलुज जो वहां से आती है, आपकी तिब्बत से आती है, उस सतलुज के पानी के ऊपर जब हमारे ऊपर चीन जब रोक लगाने का प्रयास करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। तो जिस प्रकार तो जब हम पाकिस्तान में जाने वाले पानी का जब केंद्र कटौती करेंगे तो पाकिस्तान से जो विरोध होगा उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय आपकी क्या रणनीति है, उस रणनीति को ये स्पष्ट कीजिए। उग्रवाद तक के ऊपर तो आप कार्य कर नहीं पाए आज तक भी, पाकिस्तान आज भी मोस्ट फेवरेबल नेशन है बहुत सारे देशों के अंदर, तो इस प्रकार की सिर्फ चर्चाएं की जाती है, घोषित आज तक नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया। संजय शर्मा जी, राज्यों के भीतर की बातें आप लोग नहीं कर पाते क्योंकि वोट बैंक का पूरा फंडा है वहां पर, आप देशों के भीतर की बातें करते हैं, अंतरराष्ट्रीय देशों की, दो देशों के बीच की बातें करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बातें करते हैं जब पानी की बात आती है। ज्योति जी, हम वोट की राजनीति नहीं करते, वोट को ध्यान में रख करके कोई भी काम नहीं करते। हमारा काम है विकास करना, विकास विकास विकास, इसके अलावा कुछ नहीं है। रही बात जो इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात अभी मेरे मित्र ढुल साहब कर रहे थे, देखिए उस ट्रीटी के बावजूद भी बहुत सा पानी जितना उनको देना चाहिए उसे फालतू वहां पर जा रहा है। हम उसको चेक करना चाह रहे हैं, पहले तो वही तो रुके ना जो फालतू जा रहा है, जिसको हम रोक सकते थे, जो बिना ट्रीटी के जा रहा है, उन चीजों को रोकने का प्रयास किया है। रहा बात इंटरनेशनल नीतियों की बात या मोस्ट फेवरेबल स्टेट की बात या देश की बात, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस तरह की नीति बनी है ऐसा नहीं है, लेकिन हम इस देश को, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ सह अस्तित्व के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन हाँ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर वो दुश्मनी निभाएगा तो उसको दुश्मनी को दुश्मन देश घोषित किया जाएगा, वो अलग बातें हो जाएंगी, अलग विषय पर बातें हो जाएंगी, लेकिन ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा जब आप कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ मिलजुल के रहना है आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी आप पड़ोसी को नहीं बदल सकते, आप भूगोल नहीं बदल सकते, अपना भूगोल वही रहेगा। हम ये चाहते हैं कि देश में अमन शांति रहे, पाकिस्तान भी अपने वायदों को निभाए और अमन चैन से रहे। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंकवादी देश कह रही है, वो भी हमारे देश की ओर से किया वादा है, वो भी एक संधि का हिस्सा है। वही तो मैंने कहा पिंजोरी जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इन बातों पर, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। देखिए 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था और उसकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 16% बनती है और 4% पानी है पूरे वर्ल्ड से इंडिया के पास। इस रिपोर्ट के हिसाब से मैं ये सोच को तो स्वागत करता हूँ जो गडकरी जी ने कहा है, बट आई डाउट कि वो इसको करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वादे किए हैं, उनमें से कोई एक भी वादा नहीं निभाया है। ये
मेन मेन वादे जो है मैं अब लेके आया हूँ, चाहे वो 2 करोड़ की नौकरियां कहो, किसान की लाश कहो, बात हो जाएगी। नहीं, मैं आपको मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। तो इसलिए उस पर विश्वास करना पॉसिबल नहीं है उन्होंने जो कहा है। रही बात इसकी पानी की, SYL का पानी तो पंजाब से हरियाणा को दे नहीं सके, पाकिस्तान से कैसे ले लेंगे? कांग्रेस दे पाई, कांग्रेस ने तो समझौता किया था। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो समझौता किया था लोंगेवाल इसके साथ, तो कोर्ट में अभी केस पेंडिंग था, तो उसके कारण से फिर वो गया नहीं हुआ। ये अब तो गवर्नमेंट इनकी सेंटर में भी इनकी है, स्टेट में भी इनकी है। नहीं, आपने क्या किया 10 साल, अभी पिछले 10 साल आपकी सरकार थी, 2004 से लेकर आप एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो किया जाता है। हुड्डा साहब यहाँ क्या करते हैं वो भी बड़ा सवाल है, और कांग्रेस ने पूरा क्या किया? आप लोग पंजाब में इतनी बार रहे, केंद्र में आप लोग रहे, हरियाणा में आप लोग रहे, कांग्रेस भी राजनीति कर सकती है SYL पर अब? नहीं, पर इसके मैं तो ये कहना भी, इस पर कैसे यकीन किया जाए? पाकिस्तान से ले सकते हो आप, हरियाणा पंजाब से नहीं ले सकते, पाकिस्तान से कैसे ले सकते हो पानी? SYL पर तो कांग्रेस का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान पर जो बीजेपी बात कर रखी है उसका कानूनी पक्ष क्या है कोटला साहब? कानूनी पक्ष ये है, हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको रोक ही नहीं सकते जी। जो कुदरत ने हमें जो चीजें दी हैं, एक देश में दी हैं, तो वो अगर पानी मान लो चीन से आ रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते, चीन उसको रोक नहीं सकता, उसको आगे देना पड़ेगा, उसको जो अगला जो कंट्री है उसको जाएगा ही जाएगा। एक रेसिपिएंट सिस्टम है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसमें जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पानी हो, धूप हो, किसी भी तरह की नेचुरल जो हमें गिफ्ट मिला हुआ है भगवान से, उसको कोई भी कंट्री रोक ही नहीं सकता। तो ये कहना कि भी हम पाकिस्तान का पानी रोक के हिंदुस्तान में यूज कर लेंगे, ये टोटली चुनावी बातें हैं, इसको हम जो है इस धरातल पे जो है ना इसको एप्लीकेबल कर ही नहीं सकते। अब बताइए संजय शर्मा जी। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी जो हमारे काबिल मित्र जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो ये बात कह रहे थे, मैंने तो पहले स्पष्ट किया कि ट्रीटी के हिसाब से पानी जो जा रहा है, इसके अलावा भी फालतू पानी पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, उसको भी रोकने का प्रयास पिछली सरकारों ने नहीं किया। हम उस पानी को भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि जो फालतू पानी जा रहा है, ऐसे नहीं कर और सकते। ऐसा भी है, लेकिन दूसरी बात क्या है, आप लोग 4 साल से प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। अगर प्रयास किए गए, आप लगता है कि धरातल पे आने वाली चीजों को समय लगता है, ऐसा नहीं कह सकते, समय उसके लिए लग रहा है उतना ही है, लेकिन जो आदरणीय मोदी जी ने कहा, जो आदरणीय गडकरी जी ने कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं और निकट भविष्य में यह संभव होगा कि हम जो हमारा पानी 70 साल से पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, अननेसेसरली जा रहा है, जिसको हम SYL नहीं कर पाए, में परेशानी क्या है? देश के पीएम साफ करें ना अपना पक्ष, पंजाब में बोलते हैं तब साफ करें, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अगर हरियाणा में बोलते हैं SYL को लेकर बोले, हरियाणा को इंतजार है, खास तौर पर दक्षिण हरियाणा को बड़ी दरकार है SYL इंटरनेशनल मार्केट में। मैडम, आपको पता होगा कि 2004 के अंदर जब पंजाब ने सारे समझौते जल के ऊपर रद्द कर दिए थे, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी और प्रेसिडेंट से रेफरेंस के लिए सरकार ने मांगा था, लेकिन 10 साल तक कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही, केंद्र में रही, वो एक संवैधानिक पीठ नहीं गठन करवा पाए थे उसकी बहस के लिए, तो कांग्रेस किस घड़ियाली आंसू की आंसू से बाहर है। हमने तो आज से ही ना केवल निर्णय सुप्रीम कोर्ट का करवाया, बल्कि बड़े अच्छे से पहले हरियाणा में बोलते हैं, आप लोग पंजाब में भी बोल लेते हैं, क्या दिल्ली से बातें होंगी SYL को लेकर? देखिए, हम हरियाणा के प्रवक्ता है, हम हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम हरियाणा के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पूरे ही देश के मंत्री है, वो स्टैंड क्लियर करे ना, संजय शर्मा के लिए बहुत जरूरी नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने हरियाणा के किसानों के, अपने हरियाणा के लोगों के हितों की बात कर रहा हूँ। अगर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर 3 डैम पर बना करके और यमुना में पानी लेकर गए, तो हम इसका स्वागत करेंगे। यमुना से पानी हरियाणा में आएगा, हरियाणा का जो डार्क क्या हरियाणा तो बीजेपी को उम्मीद नहीं कि केंद्रीय मंत्री SYL को लेकर? हाँ हाँ, उसमें भी उम्मीद है, हम मिले ना, प्रधानमंत्री को मिले, हम राजनाथ सिंह जी को मिले, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री को मिले, और हमने कहा है कि पंजाब के अंदर नहर का जब सुप्रीम कोर्ट में, क्या राजनीति के अलावा ये कुछ है जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं मंच से? जादव साहब, देखिए, सरासरी राजनीति दिखाई दे रही है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार पंजाब दौरा किया था तो उन्होंने SYL पर कुछ नहीं कहा, लोगों की बड़ी अपेक्षा थी कि वो SYL पर कुछ बोलेंगे, उन्होंने पाकिस्तान जा रहे पानी का ही जिक्र किया। ये निश्चित है कि पाकिस्तान के जो शेयर अलॉट हुआ है नदी जल में, सिंधु में और इसमें, तो उससे अतिरिक्त, उस
शेयर से भी अधिक पानी जा रहा है, और ये पॉलिटिकली नहीं कहा गया, इससे पहले इंजीनियर्स का भी कहना था, जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं वो भी कहते थे कि काफी पानी जो है लीक होके और पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोका जाना चाहिए, उसको सदुपयोग किया जाना चाहिए। हाँ। चलिए ये तो समझ में आया कि SYL के मुद्दे पर आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, ये तो सरासरी दिखाई दे रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा कि नदियों पर किसी एक स्टेट का अधिकार नहीं, वो राष्ट्रीय संपत्ति है, सबसे बड़ा पहलू तो ये है। और उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि हरियाणा के लिए SYL का निर्माण करके पानी दिया जाए, और जब उसमें रीएलोकेशन की बात हुई तो उन्होंने ये भी कह दिया कि पहले नहर बनाई जाए, रीएलोकेशन की बात बाद में देख ली जाएगी। इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा और पाकिस्तान के पानी का मुद्दा बनाया जा रहा है। अब यह है कि उसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी हैं और आपके यहां कोई तैयारी नहीं, और अगर आपकी इतनी पॉलिटिकल भी स्ट्रांग थी तो ये जो बजट अभी निकल गया, इस बजट में आपने कोई योजना उसमें क्यों प्रपोज नहीं की? कई बार तो ये भी होता है कि बजट में योजना प्रपोज करने के बाद भी काम नहीं होता। हाँ। लेकिन कम से कम आप जो है लोगों की उम्मीदों को थोड़ा और मजबूत, लोगों की आशाओं को मजबूत कर सकते पैसे देंगे, लेकिन उससे पिछली बार के बजट की बात कर ली जाए तब भी 102 करोड़ रुपए दिए जाने की बात हुई थी, लेकिन पैसा लगाया नहीं जाता। और ये भी कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की हमने केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के ज्योति हमने आदरणीय प्रधानमंत्री को आदरणीय गृह मंत्री को ये बात कही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है अब तो नहर खुदनी है, पानी कितना आएगा कितना नहीं आएगा बाद में फैसला होगा, नहर खुदे, अब किस एजेंसी से वो खुदनी है उसके लिए हमने पैसा प्रावधान किया कि जब भी मांगेगी सरकार, केंद्र सरकार के हरियाणा को उसका हिस्से का पैसा देना है तो हमने 100 करोड़ रुपए का उसका उसके अंदर प्रावधान किया है, जब भी वो तय करेंगे हम उसी समय पैसा देने के लिए तैयार हैं। ज्योति मैं कह रहा हूँ सब जुडिशियल मैटर है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज की बहस चल रही है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा ना कि किस एजेंसी ने क्या करना है, वहां पर वो विषय चल रहा है, उसमें हम कुछ, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए अपने हक में निर्णय करवा लिया है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, और आते ही हमने इसको कर लिया। संवैधानिक पीठ गठित करके कांग्रेस ने तो 10 साल से संवैधानिक पीठ गठित की थी, नहीं सुप्रीम कोर्ट जब कह चुका है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, टूलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर 13 राउंड हो चुके हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, और उसके बाद और भी कितने किशनगंज गंगा प्रोजेक्ट है, उसमें भी उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं कर सका हुआ आज तक भी। तो हम यहाँ दूसरे यहाँ पे और कोई आप कहे भी प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे और लगा लेंगे, उस पर फैसला कैसे हो जाएगा इमीडिएटली, सबसे पहली बात ये। दूसरा SYL की बात करते हैं, ये अकाली दल इनके अलायंस पार्टनर थे, उन्होंने इसको भरा था, इन्होंने क्या उस पर ऑब्जेक्ट किया था SYL को, जो कि जमीनें वापस कर दी गई थी करीब 42 किलोमीटर तक, और ऐसे ही जादूपुर नलबी में भी इन्होंने उसको नदी के बंद करके उसका कांग्रेस कर दिया। आपके मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह को बोल दिया, आपके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था सर, आपके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, खुद कैप्टन साहब की ओर से इस्तीफा दिया गया था, वो भी बात बोलिए फिर, अगर बीजेपी को लेकर सवाल कैप्टन ने तो सारे शिरोमणि अकाली दल की बात करते हैं, आपकी पार्टी है, आप अलायंस राष्ट्रीय पार्टियां जो है कहीं ना कहीं अपने हितों को साधने के लिए एक क्षेत्र के साथ में आपस में लड़ाई का कार्य करती है। अब जिस तरह मित्र ने कहा, संजय जी ने कहा कि 100 करोड़ का हमने प्रावधान कर दिया, पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया, ये संजय शर्मा जी क्या बता सकते हैं कि 100 करोड़ केंद्रीय बना लेंगे SYL को पंजाब का? मैंने कहा था बिल्कुल नहीं, ये कुछ नहीं, ये कोई इनिशियल नहीं है, आप सुनिए मेरी बात को, ये एक मिनट सर, ये आपके पिछले बजट बजट यही 10 लाख फाइनेंस मिनिस्टर ने बात देखिए, बीच में नहीं मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, ये पिछले भाषण के अंदर जो चीजें थी 4-5 लाइनें इस भाषण में यूं की यूं कॉपी पेस्ट की गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो प्रमुख बात जिसके ऊपर हम लगातार कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और जल संसाधन मंत्री SYL के ऊपर कब बोलेंगे, इस चीज के ऊपर ये बताएं, क्या ये आज तक प्रधानमंत्री से मिलने का समय ले पाए, ये इस चीज के ऊपर बताएं। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इनको नहीं रोका था जो है SYL को बनाने से, ना तो कांग्रेस को रोका था ना ही भारतीय जनता पार्टी को, स्टेटस क्यो जाकर के दिया गया है अब जो है पंजाब सरकार की एप्लीकेशन के ऊपर, उस समय उसको डिफेंड करने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया,
फैसला तो जो आज के दिन में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है वो तो इस कारण से है कि 2002 और 2004 के अंदर हमारे पक्ष में फैसला हो चुका था, तो उसका रिपीटेशन के अलावा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी पंजाब में सरकार है तब तो ये वहां जाकर के नारे लगाते हैं, तो ये मजाक जो किया जा रहा है। एक और जतीन के राष्ट्रीय महासचिव है, पंजाब से है, उन्होंने जो है इलेक्शन के दौरान कहा था कि जो है पंजाब का पानी हरियाणा को एक बूंद नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था पंजाब के में कि पंजाब का पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां पहले स्पष्ट करेगी हरियाणा के लिए किस प्रकार आंसू बहाती है, लेकिन अपने राज के टाइम इन्होंने क्या किया जरा बताइए। क्या किया आपको हमारे फैसले लेने की बात कर रही सबसे बड़ा जो आपके तो ये कमेंट दिया था आप दिखाइए ना, सरकार ने कमेंट मांगा उस समय के एजी ने कमेंट किया, अरे सबूत दिखाइए है ना, ये ऑन रिकॉर्ड है बात 2002 में ऑन रिकॉर्ड है बात, ऑन रिकॉर्ड ये है 2004 में हमारे पक्ष का फैसला है, हम ऑन रिकॉर्ड ये है, और उसके बाद हमारी सरकार वहां से आपने सुना है कि आप इस समझौते से हम निपटा लेंगे 2002 के अंदर, 2002 के अंदर कांग्रेस की बात करेंगे। ऐसा है 2002 में फैसला आया, उसके बाद 2004 में फैसला आया, उसके बाद जल समझौता एक तरफा पंजाब सरकार की ओर से रद्द कर दिया गया। नयाल सिंह जी आप ही बताइए, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला पंजाब में जाकर पंजाब के घोषणा पत्र को हाथ में लेकर ये कहते हैं कि पंजाब दवानी पंजाब वास्ते, उसमें हरियाणा कांग्रेस जो है क्या किसी तरह की राजनीति कर सकती है, किसी तरह का वादा आप लोग कर सकते हैं? उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा, पंजाब का पानी पंजाब वास्ते, पंजाब के पास एक भी अतिरिक्त बूंद नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट देखिए कितनी बड़ी बात है जो कही गई, सुनिए एक बार के लिए, उन्होंने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट को समझाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये भी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को अब सरकार ही समझाएंगी, ये बात कही गई है। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पंजाब से पानी नहीं चाहते। रही बात इनेलो की, वो भी इस बात के मायने क्या है आप समझाइए, पंजाब का पानी पंजाब वास्ते, कैसा किसी तरह का दूसरा मीनिंग कोई हो सकता है किसी भी तरह का बताइए? नहीं, पंजाब का पानी पंजाब के वास्ते का मतलब ये थोड़ी ना कि हरियाणा के हक छोड़ दिया उन्होंने, ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ के बता दूं, इनेलो इनेलो भी अंगले कटवा के शहीद होने की कोशिश करती है, बीजेपी तो मिसगाइड करती है पब्लिक को हमेशा ही, जब भी कोई इलेक्शन आएगा ये पब्लिक को मिसगाइड करेंगे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, प्रवक्ता ये कहीं घोषणा पत्र हाथ में लेकर जिसमें पहला वादा यही है पंजाब का पानी पंजाब वास्ते, सहूलियत की राजनीति है फिर पंजाब में अपने, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पानी हरियाणा अपना हक छोड़ रहा है, ऐसा उन्होंने ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि हम अपना हक छोड़ रहे हैं, हक नहीं छोड़ने की बात नहीं कही, पंजाब का पानी पंजाब का जिक्र किया गया, हरियाणा का पानी करेंगे। एसवाईएल के हालात क्या है, हाल क्या है, ये किसी से भी छुपे नहीं, चुनाव जब जब आते हैं इस पर बात कर ली जाती है, वादे कर लिए जाते हैं, पंजाब में अलग तरह की भाषाएं राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोलते हैं, हरियाणा में अलग तरह के वादे किए जाते हैं। अब बातें की गई है कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा, हरियाणा को पानी दिया जाएगा, राजस्थान को पानी दिया जाएगा, लेकिन केंद्रीय जो नेतृत्व है, केंद्रीय जो सरकार है, वो हरियाणा की एसवाईएल की बात क्यों नहीं करती, ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर चर्चा भी हम कर रहे हैं। संजय शर्मा जी, एसवाईएल को लेकर क्या बीजेपी कभी स्टैंड क्लियर करेगी दिल्ली की ओर से? देखिए, मैं दिल्ली का प्रवक्ता नहीं हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रवक्ता हूँ। उस नाते भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का स्पष्ट मत है कि हरियाणा का हिस्से का पानी जो हमारे समझौते हुए हैं या जब हरियाणा अलग हुआ था तो बड़े भाई को हरियाणा को छोटे भाई को उसका हिस्सा देना चाहिए, जो हिस्सा तय है वो देना चाहिए, जो आज तक हरियाणा को नहीं मिला, और इस पर हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकती गई हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। हमारी सरकार आने के बाद हमने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है, बड़ी गंभीरता से लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को जीता है, पंजाब के किए गए जो समझौते थे जो रद्द किए थे उसका केस को हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीता है। अब तो केवल ये तय होना है कि कौन सी एजेंसी पंजाब के अंदर नहर को खोदेगी और वो एजेंसी जल्दी तय हो जाएगी। राजनीति से हार गए, कानून से जीत गए, लेकिन राजनीति में कहां हारे हैं हम? मैं कह रहा हूं कि हमारे इसी कार्यकाल में, हमारे इसी कार्यकाल में नहर खुदनी शुरू होगी और हरियाणा के पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सहयोगी आप लोग रखे, 42 किलोमीटर के आसपास की जमीन को वापस कर दिया गया, मुझे कह रहे बिल्कुल आपको किसके साथ सहयोगी ना? पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ किया ना, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा उसका विरोध किया, विरोध किया, उसी के आधार पे तो हमने सुप्रीम कोर्ट में उस बात को लड़ा, लड़के की तो जीते हम। ये विरोध लड़ने के बाद की बातें हैं, ये फैसला आने के बाद की बातें हैं, ये नवंबर 2016 की बात की बातें हैं। ज्योति,
पंजाब की भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, पंजाब का अकाली दल क्या करता है, इसको हम नहीं, हम हरियाणा के हितों के रक्षक हैं, हम हरियाणा नहीं, कोई दोगला पर नहीं है, तो दिल्ली से बातें साफ करती जाए, वो आप दिल्ली के प्रवक्ताओं से पूछिए, ये बहुत केंद्र के प्रवक्ताओं से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का स्पष्ट मत है कि हरियाणा की प्यासी धरती को सहूलियत की बातें की जाती है, एसवाईएल का पानी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की उसको लेकर के आएगी, ये हमारा निर्णय है। केंद्र को मदद करनी है सर, हरियाणा सरकार कैसे ले आएगी अगर केंद्र सरकार नहर निर्माण तो नहीं कर पाएगी, हमने दबाव बनाया ना, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया, हमने प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाया, हमने आदरणीय नवंबर माह के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी है कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के जाएंगे, ढुल साहब ये मुख्यमंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं होते, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, वो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदेश की जनता का, प्रदेश की सब पार्टी, और वैसे भी तो मिले उन्होंने केंद्र में जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करवाने में क्या परेशानी है, नहीं हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो करवाएंगे ना, जरूरत पड़ेगी हमने, हाँ जरूरत पड़ेगी करवाएंगे, जब आपने आश्वासन दिया है क्योंकि सब बिजनेस मैटर है और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेना है, उसके अंदर जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर आएंगे आपके पास, ढुल साहब बोले सब जुडिस मैटर है, तो आप ये क्या कह रहे थे, हमने निर्णय करा दिया, खैर हमने निर्णय करवा दिया, ये एक नहर खुदेगी, एक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एजेंसी समझौते की बात है, सुप्रीम कोर्ट की डिग्री का जवाब है सर, राष्ट्रपति रेफरेंस का जवाब है, क्या सुप्रीम कोर्ट की डिग्री पंजाब सरकार ने रद्द की, पंजाब सरकार ने जो समझौते रद्द किए उसके लिए समझौते को छोड़िए, आप मुझे बताइए ये बात कही कोर्ट की डिग्री जीतने के लिए कौन किसने किया, नहीं नहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संजय शर्मा जी डिग्री पारित कर दी गई थी, डिग्री को रद्द किया गया था, डिग्री पारित कर दी गई थी कि अब कोई भी राज्य 2002 में हो चुकी थी, जल समझौते को रद्द नहीं कर सकता, राष्ट्रपति रेफरेंस का, राष्ट्रपति के चार सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति को भेजा था, राष्ट्रपति ने अभी तक इस मामले में निर्णय नहीं लिया है, ये किसकी ड्यूटी है करवाने की, इनको इस बात का पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद में प्रेसिडेंट को निर्णय पारित करना होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ने अभी तक निर्णय नहीं पारित किया है, ये किस बात का, प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट के रेफरेंस पे करता है, कब इनकी कैबिनेट निकलेगी, क्या आपकी कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को लिखा है कि कृपया करके सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस के अनुसार हरियाणा के हित का पानी हरियाणा को दे दीजिए, बताइए केंद्र की कैबिनेट ने जवाब दीजिएगा, आप दयाल सिंह जी आप ये बताइए, आपको लगता है जो कि संजय शर्मा जी की ओर से कहा गया कि हमने केंद्रीय जो सरकार है, केंद्रीय जो नेतृत्व है उस पर दबाव बनाया, अगर ऐसा होता तो केंद्रीय मंत्री एसवाईएल की बात करते हैं हरियाणा में, कोई दबाव नहीं बनाया, कोई अभी तक तो इनको मिलने का मौका भी नहीं मिला, प्राइम मिनिस्टर को आपको इनको मिलने का मौका भी नहीं मिला, मैं तो बीजेपी मुख्यमंत्री जी, मैं बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इसी बीजेपी में ही था, आई नो कि ये झूठ कितना बोलते हैं, ये मिसगाइड कितना करते हैं, मतलब आप भी झूठ बोलते थे, ये झूठ बोलते हैं, तभी तो मैंने छोड़ दिया, अच्छा अब आप झूठ बोल करके आप सो बिल्ली खा के चूहे खा के बिल्ली आज को चली है, ऐसे कांग्रेस में आकर के सब गंगा नहा लेते हैं, वाह नहीं ये तो बीजेपी, कांग्रेस में क्या देश की बात बीजेपी में होती है, जितने भी बीजेपी में चले गए गंगा नहा लिए, कांग्रेस ने जो इस देश के साथ किया है किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब पवित्र हो गए, कांग्रेस ने जो देश के अंदर घोटाले किए, प्रदेश के जितने मैं ये कह रहा था, ये जो कह रहे हैं कि जितने भी गुंडे मवाली लोग थे सब वो बीजेपी में आ गए हैं और वो सब पवित्र हो गए हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो क्रिमिनल हैं वो सब आ गए हैं, आप कहते हैं ना कांग्रेस भी आके पवित्र हो गया, ये तो आज के दिन मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है, जरूरत ही नहीं, बहुत बड़ा विषय है, इस पर बात कीजिए, सारी दुनिया जानती है इस बात को, कोटला साहब अभी फिलहाल क्या लगता है आपको, जिस तरह से पाकिस्तान जाने की, हालांकि आपने कहा कि कोई गुंजाइश ही नहीं है उस पानी को रोकने की, लेकिन फिलहाल कौन सा मामला ऐसा है जो लंबित है सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल को लेकर? एसवाईएल को लेकर इनकी कंटेम्प्ट पिटीशन हरियाणा की जो है अभी तक पेंडिंग है जी, दैट इज येट टू बी डिसाइडेड, और जिसके अंदर ना तो पंजाब अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है और ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अपना स्टैंड क्लियर कर रही है,
मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ा हुआ है कि भी सुप्रीम कोर्ट जो करेगी वो उसका भी ये भी नहीं पता कि भी वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एप्लीकेबल इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी तो किससे कैसे करेगी और किसके थ्रू करेगी क्योंकि वोट की राजनीति है इनकी। वोट की राजनीति है ये तब तब याद आती है जब जब चुनाव होते हैं। पंजाब में पीएम की ओर से क्या कहा गया था एक बार वो सुनिए कि पाकिस्तान को लेकर क्या बोले थे, एसवाईएल को लेकर नहीं बोले पंजाब चुनाव से पहले। एसवाईएल नहर, क्या पंजाब के किसान को पानी नहीं चाहिए? क्या पंजाब के किसान को पानी नहीं मिलना चाहिए? जो हिंदुस्तान का पेट भरता है उस किसान की धरती मां को पानी से भरना नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, किसान को पानी मिलना चाहिए और इसलिए हमने एक बहुत बड़ा हिम्मत से फैसला किया है कि सिंधु नदी का पानी जिस पर हमारा हक है, जो पानी पाकिस्तान में चला जाता है, हिंदुस्तान के हक का पानी हम लाएंगे और पंजाब की धरती को वो पानी देंगे। संजय शर्मा जी, आपने सुना पीएम को, एसवाईएल नहर वो कह गए थे, उसके बाद एसवाईएल नहर पर वो बोले नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है उसके अंदर स्पष्ट बात उन्होंने कही है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिंधु नदी का पानी जा रहा है उसको हम रोकेंगे, हमने फैसला कर लिया है। तो जो फैसला कर लिया उसी की तो वो घोषणा वहां पर कर रहे थे, तो वो फैसला हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जिसको आप रोक ही नहीं सकते। मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है अब तो उसको इम्प्लीमेंट होना है कि पंजाब के अंदर नहर कौन सी एजेंसी खोदेगी, वही फैसला होना है और उसके लिए हमने केंद्र सरकार पे दबाव बनाया हुआ है। जैसे ही फैसला आएगा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से, क्या वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की तस्वीर इतनी साफ है कि पीएम पाकिस्तान जाने वाले पानी की बात कर सकते थे, एसवाईएल की बात ही नहीं कर सकते वो? देखिए, पीएम ने ये कहा है कि जो हमारा फालतू पानी यहाँ से जा रहा है हमें उसको भी तो रोकना है ना। एसवाईएल का पानी तो हमारे नहर में आना ही आना है, वो तो सतलुज यमुना का जो पानी है। पर हरियाणा के किसानों का हक नहीं ढूल साहब? बिल्कुल है, स्पष्ट रूप से यहाँ पता लग रहा है कि मोदी जी एसवाईएल बोलते बोलते जो है सिंधु के ऊपर आकर अटक गए। ये इसीलिए किया गया था कि ये एसवाईएल पे बोलना चाहते थे, फिर इनको अपनी हरियाणा की राजनीति याद में आ गई। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की चुप्पी है, ऑन एयर मैं बता रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर में लिखा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए और उन्होंने एफिडेविट तक नहीं फाइल किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार चुप करके बैठा हुआ है। आज ये मीडिएशन की बात कर रहे हैं, क्यों मीडिएशन की बात करते हैं? राजनाथ सिंह जब चंडीगढ़ के अंदर आते हैं, इनके मंत्री जी धनखड़ जी यहाँ पर मौके पर मौजूद होते हैं, तो राजनाथ सिंह जी मीडिएशन की क्यों बात करते हैं? वो ये सीधा क्यों नहीं कहते कि पंजाब से नहर खुदवा करके जो है सुप्रीम कोर्ट के कानून का पालन कराया जाएगा, हरियाणा के अंदर पानी लाया जाएगा? ये किस प्रकार की दोगली राजनीति है जादून साहब? ये मौन सहमति है पंजाब की तमाम मनमानियों को लेकर केंद्र की? देखिए, बीजेपी पंजाब को लेकर अपने राजनीतिक हितों की साधना में लगी हुई है, नहीं तो क्या जरूरत है कि पंजाब में वैसे भी जूनियर पार्टनर है बीजेपी, वहाँ कौन से इनके बड़े राजनीतिक हित हैं? और जिस हरियाणा ने इनको सिर पर बिठाया, पूर्ण बहुमत पूरी मेजोरिटी दी, अगर पॉलिटिकली सोचते हैं तो राजनीतिक लाभ के लिए हरियाणा को भरपूर इनको एसवाईएल का निर्माण करवा के पानी देना चाहिए। अब आज ही पंजाब विधानसभा में जब गवर्नर के स्पीच पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा थी उसका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि पानी का बड़ा संकट है, जहां पानी 70 फुट पर होता था आज वो 1200 फुट पर पहुंच गया, वो इस तरह की बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा मैम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो उस समय जो है अकाली दल के जूनियर पार्टनर बीजेपी के सदस्य भी चुपचाप बैठे हुए थे और वो सुन रहे थे, उनकी मौन सहमति थी कि हाँ ये ठीक है। तो ये इस तरह से, दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, लेकिन केंद्र सरकार लगातार टाइम ले रही है कि हम जो है इसमें बातचीत के जरिए इसको सुलझाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आना चाहिए उसको देर करने का, डिले करने का काम तो केंद्र की बीजेपी की सरकार ही कर रही है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ये समझ से बाहर है। तो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि भाई पंजाब जो है पंजाब में अपनी स्थिति को बनाए रखा जाए। ज्योति,
केंद्र भारतीय जनता पार्टी का क्या निर्णय है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं केंद्र का नेता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रवक्ता हूं, मैं उसी नाते ये बात कह रहा हूं कि हमने अपनी बात को केंद्रीय नेतृत्व के सामने पुरजोर तरीके से रखा है। आपको रोकूंगी, हरियाणा जब आते हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, क्या उनके लिए इतना मुश्किल है एसवाईएल पर बोलना, हरियाणा के हकों के लिए बोलना? देखिए उन्होंने हरियाणा के हक की बात कही है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला दे चुकी है, क्या उसके लिए मुश्किल है वहां से क्लियर कर दिया जाए ना? अभी जो क्या निर्णय आएगा वो उसको उसी हिसाब से इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन उन्होंने हरियाणा के हितों की बात की है, हमने उसकी प्रशंसा की है। निर्माण तो होना है और केंद्र को ही करवाना है। उन्होंने ये कहा है अभी तक कि 3 डैम बना करके उत्तराखंड में और वहां का पानी यमुना में डाला जाएगा, जिसको हरियाणा को भी लाभ मिलेगा, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हरियाणा के हितों की तो बात की है उन्होंने, हरियाणा के हक की तो बात की है। आसान मुश्किल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उन्होंने हरियाणा को पानी देने की बात कही है। अगर कोई भी केंद्र का नेता मंत्री हरियाणा को पानी देने की बात करता है तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। एसवाईएल के लिए मैंने कहा ना, पाकिस्तान की बात हम अपनी बात जहाँ जहाँ कहनी है वहाँ कही और कहते हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा पानी लेकर आके आएंगे। पंजाब से पानी नहीं ले सकते, ये पाकिस्तान से पानी ले लेंगे क्या? ये सिर्फ दिखावे की बात है, पब्लिक को बहका रहे हैं इससे। अभी इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए अब बहका रहे हैं, पाकिस्तान से पानी कैसे ले लेंगे? अरे इंटरनेशनल लॉ आपको कैसे अलाउ करेगा उन रद्दियों को रोकने के लिए? जब लॉ ही नहीं अलाउ करता तो आप कैसे कर लोगे इस चीज को? सिर्फ बहकाने की बात है। पंजाब में पाकिस्तान की बात उस वक्त की गई थी जब पंजाब में चुनाव थे, अब हरियाणा में पाकिस्तान की बात, हरियाणा में पाकिस्तान की बात, हरियाणा में पंजाब की बात ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यही तो सबसे खास बात है इसके ऊपर, क्योंकि जो है इंटरेस्ट जो है इनको पता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा यहाँ पे उठा करके इसका विरोध तो कोई होने वाला है नहीं, तो इसके ऊपर ये वाहवाही बटोरने के सिवा कुछ नहीं। इनको शारदा यमुना लिंक का शायद कुछ पता भी नहीं होगा इस सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट में 2002 से वो मामला भी लंबित पड़ा हुआ है। आप उस मामले के ऊपर उसको खत्म करवाने के लिए आपने कौन से प्रयास किए, इस चीज को आपको स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल चाहिए हमें शारदा यमुना लिंक भी चाहिए, हमें एसवाईएल भी चाहिए, और हमें हमारे जो सिरसा वाला जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर हमें पाकिस्तान वाला पानी भी चाहिए। पानी हमको सब चाहिए, लेकिन कृपया करके इस तीन मुद्दों में से 2 मुद्दों के ऊपर आप बोलेंगे, लेकिन 1 मुद्दे के ऊपर आप नहीं बोलते। इस चुप्पी को आपको तोड़ना होगा, जब तक केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के आप अपना स्टैंड तक नहीं क्लियर कर पा रहे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या चीज होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में यह कह दिया था, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्स की सहायता से जो है ये एसवाईएल की नहर बनाई जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है सुप्रीम कोर्ट की, और वो एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल स्पष्ट है। बावजूद उसके मामला लंबित पड़ा रहा, कांग्रेस में 70-71 लाख रुपए अपने खास कर 2-3 वकीलों को दिए थे, उनका नाम सिंघवी साहब है, तुलसी साहब है, लेकिन कभी भी हियरिंग नहीं हुई, कभी भी हियरिंग नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। समझौते के खिलाफ आप लोगों ने की, एनडीए में सत्ता में सहयोगी आप लोग थे, कौन सी समझौते की? जी लोंगोवाल समझौते, लोंगोवाल समझौते के बारे में जितनी अंडरस्टैंडिंग वर्तमान, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि लोंगोवाल समझौते के बारे में वर्तमान की पीढ़ी जानती नहीं। हमने कभी भी लोंगोवाल का विरोध नहीं किया था, लोंगोवाल में 2 धाराओं का विरोध किया था। धारा नंबर 1 कांग्रेस ने जो है चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दिया था। धारा नंबर 2 कि उन्होंने लोंगोवाल समझौते में यह कहा था कि एसवाईएल के अंदर जो पानी है उसके लिए जो है डिटरमाइन करने के लिए हम ट्रिब्यूनल बनाएंगे। हमने उन्होंने इसमें यह कहा था कि पान जो है हरियाणा का शेयर घटा दिया जाएगा और पंजाब का शेयर के साथ में हरियाणा का शेयर वो करेगा। हमने इस चीज का विरोध किया, जब हरियाणा का शेयर ये तय हो चुका है हमारे समझौते के अंदर तो कांग्रेस ने उसको घटाने का क्यों प्रयास किया? और लोंगोवाल समझौते की तो लीगल सैंक्टिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में बड़ी स्पष्ट कर दी है कि वो समझौता पूरी तरह से गैर कानूनी था, और उस समझौते के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात तक करना नहीं वो अच्छा समझा, उसके ऊपर तो ये कुछ भी कहते हैं। पाकिस्तान जाने वाले पानी को कब तक रोक देंगे? देखिए इसका रोड मैप क्या है इसकी मुझे कोई पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है और वो काम बहुत आगे तक बढ़ चुका है, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, आदरणीय जल संसाधन मंत्री ने जो कहा है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और हमें खुशी है कि वो हरियाणा की धरती पर आकर ये बात कह करके गए हैं कि उत्तराखंड के पानी को भी हम हरियाणा को देंगे। नहीं है कि एसवाईएल पर नहीं बोले, क्या बीजेपी सरकार को, क्या मनोहर सरकार को? मुझे लगता है कि उनकी लिमिटेशन है, सब जुडिस होने सब जुडिस होने के कारण से वो उस पर कोई बोल नहीं सकते। लेकिन इतना बात तय है, मनोहर सरकार कैसे बोल लेती है? मनोहर सरकार ने कहा कि हमने अपनी बात को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ ये डाला हुआ दबाव डाला हुआ है कि आप नहर बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसी तय करिए, उसे नहर खुदवाइए, और इसी बात का दबाव हमने बनाया है कि पंजाब के अंदर नहर जल्दी से जल्दी खुदे, ताकि जो डार्क जोन का क्षेत्र हरियाणा में बढ़ रहा है, हमने हालांकि आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया हरियाणा के अंदर, उन नहरों के अंदर भी टेल के अंदर हमने पानी पहुंचाया जो 25-30 साल तक नहीं गई थी, 200 से ऊपर ऐसी टेल है वो सिर्फ केंद्र में है।
हरियाणा में नहीं है ये इस तरह की कानूनी मजबूरियां। दयाल सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा हर बात को कहते हैं कि 2022 तक कर देंगे, वो उनका टर्म तो 2019 तक है, वो 2019 तक का कोई कोई टिकट करने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है ना, शुरुआत हो चुकी है। आप ये तो बताइए ना, शुरुआत कहां हो गई है, किस चीज की शुरुआत होते हैं ना, किस स्टेप बाय चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, शुरुआत होगी। ये थोड़ी होता है कि 2017 में ही हो जाएगा, वो मिसगाइड करते हैं हमेशा, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही है, ऐसे ही है, किसी भी बात को कंप्लीट होने में समय लगता है, ये प्रक्रिया के पूर्ण होने में 5-7 साल का समय लगेगा, 2022 तक कुछ भी नहीं कर चले। ये कौन लगाता है जनादेश 2019 तक का, फिर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, ये चुनावी मुद्दा ही है, हर बात के लिए 2022 कहते हैं, किसानों से जुड़े हुए 2022 कहते हैं, वो कभी कभी नहीं कहते 19 तक। क्या हरियाली आज भारतीय आंदोलन कभी नहीं, आपको ये तो बताइए मुझे कि आपकी सरकार 10 साल तक रही, 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ गई थी, 2010 तक आपने उसको दबाए रखा, ये तो आप 2015 के अंदर पाकिस्तान जाने वाले पानी को लेकर SYL बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उसको हरियाणा के अंदर पानी को लेकर SYL के पानी का, और जो माननीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा है मैं उसका स्वागत करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तान में फालतू पानी जा रहा है उसकी वो पानी भी हरियाणा को मिलेगा, और वो जो उत्तराखंड का पानी है वो भी यमुना नहर के माध्यम से हरियाणा आएगा। तो पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा या फिर इसे चुनावी मुद्दा हर बार बनाया जाता है मन से, इसको लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।